फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग कोलकाता में, दूसरा दिन है, कल आए थे, काफ़ी थक गए थे तो होटल के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो आज हम किसी से मिलने जा रहे हैं और थोड़ा मार्केट भी जाना है तो देखते पोती के लिए हैं। शॉपिंग करनी है, हाँ पोती के लिए शॉपिंग करनी है, स्पेशली जारा जैनब के लिए। और हम लोग अब होटल से निकल रहे हैं। तो देखते हैं शुक्रिया। क्या लेते हैं और क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जा पाते हैं, तो आगे क्या कंटिन्यू रखते हैं। रात में फंक्शन में भी जाना है तो देखते हैं आगे क्या कंटिन्यू होता है, तो फिर आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब हम मार्केट के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा आपको कोलकाता के बारे में बताते चले। कोलकाता को सिटी ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। आपको कोलकाता में हर धर्म और हर समुदाय के लोग मिलेंगे और यहाँ ज़्यादातर ट्रैफिक वन वे ही होता है। यहाँ आपको बेहद खूबसूरत इमारत मिलेगी और यहाँ लोग पढ़ने भी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ आपको ट्राम रेल मिलेगा जो इंडिया में सिर्फ कोलकाता में ही मिलेगा। और यहाँ पुराने ज़माने का रिक्शा भी मिलेगा जो लोग हाथ से अभी भी खींचते हैं, वो और कहीं भी नहीं है इंडिया में। और यहाँ का मार्केट, न्यू मार्केट भी एक प्रसिद्ध फेमस पैलेस है। लोग यहाँ शॉपिंग करने दूर दूर से आते हैं। तो आज हम सिर्फ न्यू मार्केट जाएंगे और ट्राम पे चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे ट्राम, जो यहाँ ट्रेन, ये ट्रेन सड़कों पे दौड़ती है जो कहीं नहीं है। तो चलिए और आप देखिए न्यू मार्केट और उसके बाद ट्राम पे चढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कोलकाता की खूबसूरती और कोलकाता के बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए। अब हम लोग न्यू मार्केट में घूम घूम के थक गए हैं तो फ्रूट चाट वाला दिख गया, तो अब हम इनसे फ्रूट लेते हैं और फ्रूट का मज़ा लेते हैं। हमने मिक्स फ्रूट लिया है और इन्होंने सिर्फ पपाया और एप्पल लिया है। तो फिर देखते हैं और इन्जॉय करते हैं और आप भी हमारे साथ इन्जॉय कीजिए। और अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हेलो हेलो, अब हम न्यू मार्केट से वापस लौट रहे हैं और अभी वापस होटल जाना है और फिर हमें ट्राम पे चढ़ना है जो यहाँ कोलकाता की खूबसूरती है। और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे रुक के, दूल्हा भाई आने वाले हैं तो उनके साथ हम सिराज की चाय पियेंगे और होटल जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या शुरू होता है और आप यहाँ की इमारतें देखें और हमारे साथ बने रहें और इन्जॉय करें। वो जो मोर हुआ इधर से आगे बढ़ गया। जमाने का सिनेमा हॉल। अभी हम लोग ट्राम के लिए खड़े हुए हैं लेकिन ट्राम तो अभी तक आई नहीं है, पता ना आएगी कि नहीं। देखते हैं क्या होता है। ये सड़कों पे पटरी बिछी हुई है, इसी पे ट्राम चलती है और थोड़ी लेट से दो दो घंटे पे ट्राम चलती है। तो देखते हैं, ये ट्राम आ गई है। आइए चलिए। वाह, एंड फाइनली हम बैठ गए ट्राम में। थोड़ा दूर ही जाएंगे, थोड़ा दूर ही जाएंगे। दो बोगी है। हाँ,
कोई ना। फाइनली हम ट्राम पे बैठ गए, इसमें टिकट लगता है, अभी भी इसमें 10 रुपए का ही टिकट है और हम टिकट लेके बैठे थे थोड़ी दूर बस एंजॉय करने के लिए। और फिर हम पहुँचे, हम सब लोग सिराज पहुँचे। यहाँ की चाय काफ़ी मशहूर है और सिराज काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, तो अब हम इसमें यहाँ की चाय का मज़ा लेंगे। और यहाँ चाय के लिए बोलना पड़ता है, पानी कम तो ही अच्छी चाय मिलती है। तो पहली बार हम आए थे तो हमें पता नहीं था, लेकिन इस बार हमारी चाय आई तो वो काफ़ी टेस्टी और अच्छी थी। तो अब हम चाय का मज़ा लेते हैं। और अब हम वापस होटल आ गए हैं सब लोग, और कुछ मीठा और नमकीन लेकर आए थे रास्ते से, तो वो बैठ के हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, कल हमें वापस दिल्ली लौटना है, तो कल का शेड्यूल आपको दिखाते हैं और फिर मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारा साथ अच्छा लगा होगा और ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।